भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे का जो विवाद हुआ था, जो गाने को लेकर विवाद हुआ था, उस पर पवन सिंह का क्या कहना है। लोग पवन सिंह की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि जब पवन सिंह अपने और अक्षरा सिंह के विवाद में कुछ नहीं बोले, तो इस विवाद में मीडिया के सामने आके क्या बोलेंगे। भाई आजकल भोजपुरी का हर छोटा बड़ा अभिनेता इस विवाद पर बोल रहा है, फिर वो चाहे निशा दुबे हो या फिर प्रवेश लाल यादव हो, जिससे ये सवाल पूछा जा रहा है, सभी अपनी प्रतिक्रिया विभिन्न रूप से दे रहे हैं। जैसे ये लगता है कि खेसारी लाल यादव का गाना बजने देना चाहिए, क्योंकि उनका गाना पहले रिलीज हो गया है। अब भाई रिलीज हो चुका गाना लोगों को इतना पसंद आ रहा है, तो उस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। ठीक उसके विपरीत प्रवेश लाल यादव का कहना है कि ये इन दोनों को बैठकर आपस में समझ लेना चाहिए, यानी दोनों पक्षों को बैठकर आपस में समझ लेना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं, विवाद करके क्या हासिल होगा। लेकिन भाई लोग पवन सिंह के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन गॉसिप के गलियारों में ये बात बहुत तेज़ी से फैल रही है कि रितेश पांडे को पीछे से पूरी तरह से पवन सिंह ने सपोर्ट किया है। जी हाँ, लोग ऐसा कह रहे हैं कि पवन सिंह के सपोर्ट से ही रितेश पांडे ने इतना बड़ा एक्शन लिया और खेसारी लाल यादव का गाना डिलीट करवाया, क्योंकि 5 जनवरी जिस दिन पवन सिंह का बर्थडे था, उस दिन रितेश पांडे स्पेशली पवन सिंह से मिलने गए और कोई भी भोजपुरी बड़ा अभिनेता या अभिनेत्री पवन सिंह के बर्थडे में नज़र नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ अगर नज़र आए तो भाई रितेश पांडे। सब समझ गए कि आखिर रितेश पांडे ने इतने प्यार से पवन सिंह को केक क्यों खिलाया। ये वही रितेश पांडे हैं जो कभी अक्षरा सिंह के साथ नज़र आते थे फिल्मों में। वैसे भी आपको बता दें कि अक्षरा सिंह के साथ रितेश की नज़दीकियों को लेकर पवन और रितेश में बीच में खटास आ गई थी, लेकिन अब पवन सिंह और रितेश पांडे के रिश्ते में अब जो नज़दीकियां बढ़ी हैं, उसके पीछे रीज़न बताया जा रहा है गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे 2। इसके पीछे रीज़न सिर्फ यही गाना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ये गाना खेसारी ने पहले रिलीज़ कर दिया, जिसका नाम रखा गया लहंगा लखनऊआ, और ये गाना रातों रात सुपर हिट हो गया। ये रितेश भी जानते थे कि ये गाना रातों रात हिट होगा, क्योंकि आजकल उनके हेलो कौन को बहुत सुना जा रहा है। ये सब कुछ देखते हुए रितेश पांडे ने आदिशक्ति वालों को बहुत समझाया। जिस म्यूज़िक कंपनी ने लहंगा लखनऊआ रिलीज़ किया था, यानी कि खेसारी का गाना रिलीज़ किया था, उनको बहुत समझाया। और यहाँ रितेश ने ये भी मेंशन किया कि खेसारी लाल यादव का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि खेसारी तो ये जानते ही नहीं थे कि ये गाना मेरा है। इससे पहले, यानी कि खेसारी से पहले, आदिशक्ति के साथ ये गाना मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। जब कहीं से बात बनती न देख रितेश ने दरवाज़ा खटखटाया पवन सिंह का, और उन्होंने कहा कि वो उनकी मदद करें। भाई पवन सिंह बड़े दिल वाले हैं, उन्होंने रितेश पांडे की मदद की खेसारी का गाना आदि शक्ति से हटवाने में, ऐसी रूमर है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, वैसे तो जब ये सवाल रितेश पांडे से पूछा गया कि क्या पवन सिंह की मदद से उन्होंने आदि शक्ति से खेसारी का गाना हटवाया है, तब उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा अगर लोग सोच रहे हैं तो भाई ये गलतफहमी है, पवन उनके बड़े भाई हैं, बस इसी कारण वो उनसे मिलने गए थे। अब भाई रितेश जी, आपको ये कौन समझाए कि इसके पहले भी कई ओकेज़न आए थे जब आप पवन सिंह से मिल सकते थे, तब तो आप अक्षरा सिंह से फिल्में बनाने में मशगूल थे, और आज जब ज़रूरत पड़ी है तो आपको पवन सिंह याद आ रहे हैं। वैसे इसमें गलत बात नहीं है, क्योंकि पवन सिंह को आप अगर अपना बड़ा भाई मानते हैं तो पवन सिंह भी आपको अपना छोटा भाई मानते हैं। वैसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये कहावत आप पर पूरी परफेक्ट बैठती है। कौन सी अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव से पवन सिंह की इतनी जमती है, उन्हें रिश्तों की परवाह होगी। वैसे ये बहुत अच्छी बात है कि रितेश पांडे ने भोजपुरी इंडस्ट्री में एक पहल शुरू की है अपने अधिकार के लिए लड़ने की। अब उनका देखा देखी सभी ये करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि भोजपुरी में चलता है तो सिर्फ भेड़ चाल। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।